कि कनाडा में इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, किंग के केस में पकड़े गए तो आपको कॉलेज से वो निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा बाहर जाकर वीडियो बनाते हैं, हमेशा कार में बैठकर क्यों वीडियो बनाएं भाई, आप भी बोर हो जाओगे। एंड मुझे भी आज लगा कि थोड़ा बाहर चलते हैं, वो किधर से आते जाते हैं, बट नाइट टाइम मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सेफ्टी आपको ही रखनी पड़ती है अपनी, राइट। एंड स्नो के टाइम में ना ये काफ़ी स्लिपरी होता है, आप गिर भी सकते हो, बट इधर चलो प्रोटेक्शन है, इट्स ओके। एंड ये पूरा जम जाएगा स्नो के टाइम में, इट्स ओके। लोकेशन कोई ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि भाई नायग्रा फॉल्स तो हम नहीं आए हैं, जस्ट नॉर्मल सी है। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन सिस्टम की। देखो, आपने सभी ने अभी तक ये तो सुना होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में होता है कि एक बार फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए एंड आपका रिज़ल्ट डिसाइड हो गया। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं, प्रेजेंटेशंस हो गई या एक तो एक्स्ट्रा टास्क हो गए, उसको कंप्लीट करके आपके जो टोटल मार्क्स है वो बनते हैं, फिर डिसाइड होते हैं कि आपने वो कोर्स पास करा है या नहीं करा। हर एक कॉलेज का अपना अपना सिस्टम है। कि मैं पढ़ता था वहाँ पे भाई 50% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, एंड कुछ कॉलेज में 60% है। तो मुझे नहीं पता कि हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों था, बट जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहाँ पे ऐसा ही था। एंड रही बात कि स्टडी डिफ़िकल्ट है या इजी है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इतनी भी यहाँ पे आसान नहीं है स्टडी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं। एट द सेम टाइम डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट आपके प्रोफेसर के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ प्रोफेसर तो आपके भाई इतने पोलाइट होंगे आपको स्टडी करने में बहुत सही लगेगा, कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पूरा सेमेस्टर, वो कहते हैं ना कि भाई इस बंदे ने तो तंग कर रखा है, वो चीज़ हो जाएगी आपके साथ। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोफेसर थे भाई, टीच करने का तरीका बड़ा ही अलग था। मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे स्टार्टिंग में जब मुझे ऐसे कोई प्रोफेसर मिले, पर टाइम के साथ चीज़ें काफ़ी सही होती रही। फिर बात आती है यहाँ पे भाई, अगर आप चीटिंग करते पकड़े जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। अगर आप ज़्यादा बार फेल होते हो, चीटिंग के केस में फंस जाते हो, तो ये आपको कॉलेज में से भी निकाल सकते हैं। अगेन, आपके प्रोफेसर के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है, बट कभी भी ये मत सोचना कि आपका प्रोफेसर पोलाइट है या नहीं, चीटिंग के केस में पकड़े गए तो आपको कॉलेज से वो निकाल सकते हैं, एंड आपका जो स्टूडेंट परमिट है वो रिस्क में आ सकता है, राइट। थोड़ा सा चीटिंग के बारे में समझते हैं कि किस टाइप की चीटिंग होगी। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया, हमारी क्या होती है, हम उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं एंड हमें सोल्यूशन मिल जाता है। अगर आप सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली उनके पास काफ़ी टूल्स होते हैं, वो प्लेजरिज्म उसको कहते हैं, कि वो स्कैन कर लेंगे, अरे भाई कि वो स्कैन कर लेंगे कि कहाँ से आपने ये कॉपी करा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड आपको वो वार्निंग दे देंगे। एक तो ये चीज़ होती है, अगर आपने कॉपी करा, अपने फ्रेंड ने एक दूसरे का कॉपी कर लिया, वहाँ पर आप पकड़े जाते हो। केस क्या बनता है, जब हम कहते हैं ना कोई पर्सन ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, सपोज़ आप किसी को जानते हो, लास्ट ईयर उसने सेम कॉलेज से स्टडी करा, सेम कोर्स, आप उसकी असाइनमेंट्स यूज़ कर रहे हो, तब भी आप पकड़े जा सकते हो। अगर 2-3 बार ये चीज़ रिपीट हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कनाडा में इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं एंड इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चीटिंग के केस में मत पकड़े जाना, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आ सकती हैं, आपकी PR के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, कॉलेज से आपको निकाल सकते हैं, पैसे बहुत ख़राब होंगे एंड आपको ना काफ़ी स्ट्रेस हो जाएगा। मैं ऐसे भी 1-2 लोगों को जानता हूँ जो इस सिचुएशन में चले गए हैं एंड अभी उनकी लाइफ बहुत हार्ड है। प्लीज़ गाइज, मेक श्योर करो कि आप चीटिंग के केस में मत पकड़े जाओ। असाइनमेंट्स वगैरह के फॉर्मेट अगर आपको समझने हैं मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा एंड कैसे असाइनमेंट्स बनानी है एंड कैसे आपको अपनी स्टडी अपने काम के साथ मैनेज करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि टाइम के साथ ना सभी असाइनमेंट्स करो। हमारे प्रोफेसर ने एक बार क्या करा, हमें कहा कि 60 पेजेस की आपने कोई असाइनमेंट बनानी है एंड हमें उसने 2 महीने दिए उसको कंप्लीट करने के लिए। मैंने भाई केयर ही नहीं करी, जब 5 दिन रह गए मैंने तब सोचा करने का, एंड 5 दिन में मुझे पता है मैंने 60 पेजेस कैसे लिखे, इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी। उसकी वैल्यू थी 30% उसकी वैल्यू थी, वो करनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड मुझे पता कि मैंने वो कैसे करी है 60 पेजेस की। मेरे पास आइडियाज़ नहीं थे, मैं सोच रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं करी, अगर डेली मैं 1 पेज लिखता 2 पेज लिखता तो मैं कब का कर लिया होता, बट कोई बात नहीं, अभी वो टाइम चला गया, बट आप ये मिस्टेक मत करना।
पॉइंट और बता दूं, जैसे कि हमें इंटरेस्ट होता है ना हर एक चीज़ को सीखने का, कोई कंसेप्ट आ गया उसकी एग्जांपल बताओ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। इंडिया में टीचर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे शायद आपको वो चीज़ थोड़ी सी ना देखने को मिले। सेल्फ स्टडी आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखना, टीचर के ऊपर मत डिपेंड रहना कि वही हमें क्वेश्चंस कराएगा, वही कंसेप्ट क्लियर कराएगा, खुद भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो। अगेन और चीज़ मत भूलो, आपको स्टडी परमिट मिला है तो पहले आपको स्टूडेंट के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट के लिए जो रूल्स बने होते हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छे कॉलेज से स्टडी करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, फील्ड जॉब मिल जाएगी गाइस, एक्सपीरियंस की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।